एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सीरीज लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका चैप्टर 11 है क्लास 12th के हिस्ट्री का, जिसका नाम है विद्रोही और राज। आइए शुरुआत करते हैं इसके MCQ से। सबसे पहले महत्वपूर्ण MCQ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला MCQ हमारा कहता है, कहाँ के नवाब को यह कह के गद्दी से निष्कासित किया गया कि वह अच्छे शासक नहीं है, अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं। तो ये अवध के राजा को यह कहकर गद्दी से निकाल दिया गया था कि वो अच्छे शासक नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से तालुकदारों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनके पास सैन्य टुकड़ी होती थी, देखिए इनके पास तो सैन्य टुकड़ी होती थी, इनके पास किले भी थे, अंग्रेज ने इनकी सेना भंग कर दी थी, अंग्रेजों ने इनकी सेना भंग नहीं की थी। देखिए ये जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि वाकई में अगर सही मायने में देखा जाए तो अंग्रेजों ने जितने भी तालुकदार थे उनकी सेनाओं को खत्म कर दिया था, मतलब भंग कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा कहा गया था, किसकी पंक्ति है ये। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई एक पंक्ति है, उस पंक्ति का नाम है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अंग्रेज शासन ने 1857 दिसंबर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काने के लिए कितने रुपए खर्च किया था। इन्होंने 50,000 रुपए खर्च किया था आपस में हिंदू मुसलमान को लड़वाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है, एक मुश्त बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई थी। एक मुश्त बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो 1856 को लागू किया गया था, शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अवध में सहायक संधि कब थोप दी गई। अवध में सहायक संधि 1801 ईस्वी में जबरदस्ती लगा दिया गया था, इसीलिए इसे हम थोपना कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 1851 में किस गवर्नर जनरल ने अवध रियासत के बारे में कहा था कि यह ग्लास फल एक दिन हमारे ही मुंह में अंदर आके गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, और इसे चेरी की भी उपाधि दी गई है। कहा गया था कि ये जो पूरा सल्तनत है या पूरा जो राज्य है वो एक तरह से चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में समा जाएगा। चेरी ना खाने वाला होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था। जो गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि थे उन्हें कहा जाता था रेजिडेंट। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था, उन्हें रेजिडेंट कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था। भारत में सती प्रथा पर 1829 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया था, बोला गया था कि अब यहाँ पे ऐसे औरतों को नहीं जलाया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए कौन कौन सी नीतियां लागू की थी। देखिए पश्चिमी शिक्षा, मतलब शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया था, पश्चिमी विचार को लाया गया था, पश्चिमी संस्थान, नए नए ऑफिस खोले गए थे, मतलब आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने यहाँ की सभ्यता को सुधारने के लिए काम किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। 1757 में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ तो आप बताएंगे 1757 ईस्वी हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस प्रांत को बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था, अवध को कहा जाता था। बंगाल आर्मी का पौधशाला किसे कहा जाता था, अवध को कहा जाता था, पिछली बार पूछा गया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आप लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। मैंने चैप्टर में आपको बताया था कि गाय और सुअर की चर्बी का लेप कारतूस के ऊपर लगाया जाता था, जो तत्कालीन कारण था उस समय के क्रांति के लिए। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अगर तत्कालीन कारण पूछा जाए तो आप बताएंगे चर्बी वाले कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अवध में कौन से नवाब को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर पद से बेदखल कर दिया था। वाजिद अली शाह को यह कह के हटा दिया गया था कि ये ठीक शासक नहीं है, सही तरीके से अवध पे शासन करने में असमर्थ है, और यह आरोप लगाकर उसे उसके गद्दी से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, विद्रोही सैनिक का जत्था दिल्ली के लाल किले पर कब पहुंचा था। यह पहुंचा था 11 मई को
विद्रोही सैनिक और कुछ किसान घोड़े पर सवार होकर लाल किले बादशाह के यहाँ पहुंच गए थे और उन्हें घेर कर बोला कि आपका आशीर्वाद चाहिए। बादशाह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने उसको समर्थन दे दिया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, छोटा नागपुर स्थित सिंह ब्रह्म के एक आदिवासी कष्टकार ने इलाके को कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था, वो कौन था? वो था गोनू। याद रखिएगा, गोनू नाम का जो ये आदिवासी था वो उस इलाके का नेतृत्व संभाल रखा था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, शाह मल ने डैश के बरोत परगना के गांव के लोगों को संगठित किया, उत्तर प्रदेश के लोगों को एक जगह संगठित किया था शाह मल ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया, जब विद्रोह समाप्त हो गया, तो नाना साहब डैश चले गए थे, नेपाल चले गए थे। जो नाना साहब थे उन्होंने देखा कि अब विद्रोह सही तरीके से नहीं हो रहा है, विद्रोह खत्म होने के कगार पे है, या फिर विद्रोह समाप्त हो चुका है, तो नेपाल चले गए थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आरा वर्तमान में किस राज्य में है? बिहार में है। आरा जिला जो है वो बिहार में है। इस पर कई सारे गाने भी आ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा आरा के ऊपर भोजपुरी गाने बहुत आते रहते हैं, तो आरा वर्तमान में अगर बात की जाए तो यह बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, सही मिलान करना है, नाना साहब जो थे वो एक का जो कानपुर के रहने वाले थे, कुंवर सिंह की अगर बात कर ली जाए तो वो आरा बिहार के रहने वाले थे, बाजिद अली शाह की अगर बात कर ली जाए तो वो अवध के रहने वाले थे, और बर्जिश तंत्र की बात की जाए तो वो लखनऊ का था। तो ये आपका सही मिलान उत्तर नीचे दिया गया है, आप सही तरीके से देख लें, इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको जानना जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब का संबंध डैश से है, कानपुर से है। मैंने अभी बताया ना कि ये कानपुर रहते थे, इनका संबंध जो है वो कानपुर से है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए, अंतिम मुगल बादशाह ना तो अकबर शाह द्वितीय था, ना शाह आलम द्वितीय था, ना आलमगीर था, तो इसमें से कोई नहीं होगा, मतलब इसमें से कोई अंतिम मुगल शासक का नाम नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, फिरंगी डैश भाषा का शब्द है, फारसी भाषा से फिरंगी लिया गया है, फारसी भाषा से फिरंगी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, विद्रोहियों द्वारा सबसे पहले किसे लूटा गया? शास्त्रनगर को लूटा गया था, विद्रोहियों द्वारा सबसे पहले शास्त्रनगर को, शास्त्रागार को लूटा गया था, शास्त्रागार को सबसे पहले विद्रोही सैनिक और किसानों द्वारा लूटा गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, मई 1857 की दोपहर बाद डैश छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, जो अंग्रेज के सिपाही थे उन्होंने इस कारतूस को लेकर विद्रोह जाहिर कर दिया था, सभी ने विद्रोह के ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया था। इस तरह से आपने देखा कि आपको ये चैप्टर 11 जो है जिसके इम्पोर्टेंट MCQ मैंने आपको समझा दिया है, आशा करता हूँ कि आपको सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, यदि किसी MCQ में आपको परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।